अगली खबर जुगियाल तो सामने आ रही है, जिथे कि साड़ियां नौकरियां बहाल करो दे नारे लगातार लगाए गए ने। पंजाब सरकार ते रणजीत सागर डैम प्रशासन के खिलाफ जम के रोष प्रदर्शन किया गया। दस दिए अज अपनी जमीना दे बदले नौकरियां भालते हुए लगातार 9 महीने के उत्ते धरने उत्ते बैठे ने। दुखी परिवार ने पंजाब सरकार ते रणजीत सागर डैम के खिलाफ जिहड़ा साड़ियां नौकरियां बहाल करो दे नारे लगाए ने ते जम के रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आए ने। पंजाब सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए ने। दस दिए पिछले कई लंबे समय तो जिहड़ा प्रदर्शनकारी ने प्रदर्शनकारी सो अज फिर तो मुड़ तो जुगियाल दे विच रणजीत सागर डैम प्रशासन के खिलाफ जिहड़ा जम के प्रदर्शन किया गया। तो इस मौके से गलबात करते हुए लखनेश सिंह, लियाकत अली, संतोष देवी और मोहन सिंह ने आख्या कि उन्होंने अज अपनी हकों की लड़ाई लड़ते हुए 9 महीने के करीब हो गए ने, पर डैम प्रशासन अते ना ही पंजाब सरकार वालों उन्होंने कोई उन्होंने आवाज़ सुनी जा रही है। उन्होंने आख्या कि इस वेले ठंड भी जिहड़ी बहुत कड़ाके की पै रही है, उन्हां वालों एक कोई भी इंतजाम नहीं किए गए, जिसके चलते अज उन्हां वालों रोष प्रदर्शन किया गया। अपने हकों दीआं मंगां लई पंजाब सरकार अते रणजीत सागर डैम प्रशासन नूं कड़ी चेतावनी भी दित्ती है। उन्होंने कहा कि जेकर जल्द ही उन्हां दी मंगां नहीं सुनिया गईआं, उन्होंने कहा कि होर भी तिखा संघर्ष जिहड़ा उह कीता जाएगा, जम के डैम प्रशासन के खिलाफ ते पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी की सारी जिम्मेवारी इस डैम प्रशासन अते पंजाब सरकार की होगी। और सुनते की कुछ कह रहे हैं। जी सर, मेरा नाम लखनेश सिंह है जी, मैं पिंड राजपुर तो रहने वाला जी। तो सानू इतने लगभग इतने बैठे धरने के परिवार समेत 9 महीने हो लगे, लगभग 9 महीने हो लगे इतने बैठे, कोई भी जरा प्रशासन अधिकारी साड़ी सार लैन वास्ते नहीं आया। तो इन्नी कड़ाके की ठंड है जी, इतने इतने दिन रात साढ़े इतने उसकी जेडे परिवार इतने बैठते हैं, तो तुम मान नहीं सकते, सिर्फ तरपाल पाई है ट्राली के उपर, अंदर कुछ भी नहीं है जी। ये तो इन्नी कड़ाके की ठंड है, साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही। असी पंजाब सरकार को यही बेनती करना चाहते, साडा कसूर की है? जब जमीना के बदले सानू नौकरी दी, मकान साढ़े गए ताहीं सानू नौकरी दी है, पोलसी तहत असी सारे मतलब कि जिन्हें भी साढ़े 31-32 मुलाजम सारे एज पर पोलसी लगे थे। असी प्रशासन और पंजाब सरकार को यही बेनती करना चाहते हैं कि सानू जल्द तो जल्द बहाल किया जाए। जे सानू बहाल नहीं किया गया तो फिर असी कोई बड़ा जिहड़ा कदम चुकन च जरूर मजबूर होवांगे, जिहदी जिहदी सारी जिम्मेवारी जिहड़ी पंजाब सरकार ते जिला प्रशासन की होवेगी। पिंड डूंग तो हाँ जी। तो सर, सानू 9 महीने तो बाद इत्थे बैठे हो गए, तो जिला प्रशासन जां कोई सरकार दा नुमाइंदा साडी कोई भी सार लैन नहीं इत्थे तक पहुँचा, तो साडे घर दे चुल्हे भी बलने तो अहीं मजबूर हो गए हाँ। सानू कोई करियाने वाला भी कोई समान नहीं दे रहा, बच्चों दे फीसां ते बैंक दे लोन ले हुए तकरीबन सारिया ने, तो सारिया नूं कोई बैंक वाले भी नोटिस भेज रहे है, किराने वाले सौदे दे रहे, सारिया के चुल्हे बंद हो गए, कई इत्थे ठंड च बैठे बैठे बीमार हो रहे है। एक साडा साथी गुलाम नबी है, उन्होंने अज कई दिनों तो दिमाग की प्रॉब्लम हो गई है ठंड के कारण, तो एक मुंडा होर है सर, वह भी अज कई दिनों तो बीमार चल रहा। ये कारण भी अं कहने सरकार अगर यही बेनती करने भी सानू जल्दी तो जल्दी बहाल किया जाए, तो नहीं तो सर इतने कोई मर गया, कोई जानी नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेवार है? वह जिम्मेवार डैम प्रशासन तो पंजाब सरकार ही होगी। अं यही सोच रहे हूँ भी जो जल्दी साडा बहाल नहीं करे तो अं पता नहीं किहड़ा वड्डा कोई एक्शन मरण से मजबूर हो जाना। कई मुंडे बेचारे मरण के मजबूर हो गए भी अं सलफात खा लीए चाहे कि किसी भी चक्कर उन्होंने, फिर भी अं समझाने भी यार नहीं इदा ना करो, चलो तो हल हो जाएगा। तो हूँ अं कहने भी दवाइया वास्ते भी पैसे नहीं, मेरी खुद माता अटैक होया पाया, अज 15 दिन हो गए घर, उन्होंने इदा ही बेहोश पे है, क्यों दवाई वास्ते पैसे नहीं जाइए किधर? तो ये अं बेनती करने सरकार अगर भी जल्दी तो जल्दी बहाल किया जाए, नहीं तो अं पता नहीं किड़े राह से अं तुर पैना, किसी ने सलफास दी गोलियां खा लैनी, कहते भी रोज रोज इतने तड़फन नालों एक दिन मरे चंगे। मेरा नाम संतोष कुमारी है, मैं दयालपुर रहने वाली हूँ। मेरा बच्चा इको कमान वाला ही लोन ले रहा है, साड़ियाँ किश्तां नहीं जाए करदियाँ, उधरों इन्नी ठंड है बच्चे इतने रातां कटते, इंदियाँ सिर दियाँ नाड़ा भी ब्लॉक हो जाए, अं दस किधर नूं जाइए, सानू रोटी भी नहीं खाने मिले करती। अं प्रशासन अगे यो बेनती करने, सानू जल्द तो जल्द साडे बच्चे बहाल किए जाण, जे साडे बच्चियां नूं इत्थे कुछ हो गया अहीं भी इत्थे ही मरना, साडू बस यो बेनती है, साडे बच्चे जल्दी जल्दी बहाल करो। सर, मेरा नाम सोहन सिंह है जी। सानू अज 9 महीने के उत्ते समय से लड़ीवार भुख हड़ताल से बैठते हो गया, कोई भी प्रशासन का अधिकारी या जिले का प्रशासन का अधिकारी साड़ी सार सार लैनी है। इतने इतों तक यह है कि तुम पहले हो जो इन्नी ठंड के बच्चे आए हो, नहीं तो कोई भी साड़ी पुछ नहीं आता की है तो हाल की जाने, नवा साल से आस लाई कि नवे साल से सू बहाल करके वह भी निकल गया, बड़े दुख की गल है। अज 9 महीने हो गया कोई प्रशासन का अधिकारी साड़ी सार नहीं लैन दिया, इतने लब ना करे किसी बच्चे किसी मुंडे हादसी मर्जी हो जाती या मर गया, फिर बाद नौकरी देने का की फायदा? जान देनी है तो पहले दे दो, मरण तो बाद नौकरी देने तो आप करने, जो घर दे किसी कोई जी गल होगी बीमार चल रहा दवाइया
दवाइया लैन जोगे पैसे नहीं है जो कोई मर गया घर का जी तो फिर की करने पैसे की करनी नौकरी है घर से कोई योजी गलबात होगी अं प्रशासन अगर बेनती करने कि जल्दी जल्दी सूँ बहाल किया जाए तो नौकरी दी जाए।